केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। योगी सरकार द्वारा 5 लाख के इनामी माफिया बदन सिंह बद्दो का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। करीब 5 साल से फरार चल रहे बदन सिंह बद्दो वे विक्की त्यागी का नाम लेते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हाजी इसरार सैफी व उनके भतीजे आरिफ को ठिकाने लगा देने की धमकी दी गई है। यह धमकी सऊदी अरब में रियल एस्टेट के कारोबार से हटने के लिए दी गई है। पंजाब के संदीप सिंह ने आरिफ को भेजे एक वीडियो में चेताया है कि वह इन दिनों मेरठ में ही है। खुद वे अपने चाचा यानी पूर्व मंत्री अगर खुद को बचा सकते हैं तो बचा लें। भगत सिंह मार्केट निवासी आरिफ ने SSP को दिए शिकायती पत्र में इस आशय की जानकारी देते हुए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस कप्तान ने इस पर जांच बैठा दी है। पहले सुनिए वह ऑडियो जो आरिफ ने SSP को अपनी शिकायती पत्र के साथ सौंपा है। आसिफ भाई, ये मेरा मैसेज ना उसको भेज दो, आरिफ को। ठीक है, मैं मेरठ में हूँ। वो कह रहा था ना कि मेरठ में आ जा भाई, तुझे कोई छू के नहीं दिखा सकता। मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि वो अपने घर में घुस के दिखा दे। मैं मेरठ में हूँ, मैं और विक्की त्यागी मेरे साथ है। विक्की त्यागी के घर पे ही हूँ मैं। नहीं नाम सुना होगा तो मैं बता देता हूँ, बद्दू से पूछ लेगा जाके। ठीक है ना, उसको बता देना, बद्दू से पूछ लेगा जाके विक्की त्यागी कौन है। विक्की त्यागी के साथ ही हूँ मैं, उसके घर पे हूँ मैं। और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ठीक है, ऑटो टैक्सी घर के बाहर आके दिखा दे एक बार। ये अपने घर में घुस के दिखा दे जब तक मैं मेरठ में हूँ। मैं इसको खुला चैलेंज करता हूँ। मैं अपनी जान बचानी है इसने, इसका मुँह, उसका थूथोड़ा, इसका मैं छेकूँगा इसका बढ़िया तरीके से, वहीं इसे बताऊँगा। तो पहले खुद को तो छूने से बचा ले अपने आप को, दूसरे को तो क्या बचाएगा। और जौन सा मिनिस्टर मंत्री है ना, उसको भी कहना ले के आ जा साथ में, उसे भी देख लेता हूँ साथ में, दोनों एक साथ ही निपट जाएंगे काम। ठीक है, आपसे अगर ये रिक्वेस्ट करके नहीं बोलता कि मुझे वापस बुलाने के लिए, मैं इसका फिर थूथड़ा छेक कर ही वापस आता हूँ। इधर ही वेट कर रहा हूँ मेरठ में। मैं 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, मैं इधर ही हूँ। इस बारे में FirstBite.TV को घटना की जानकारी देते हुए आरिफ ने यह बताया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, किसने धमकी दी आपको, क्यों दी और किसने दी है? एक संदीप कर गए जो रियल इस्टेट में काम करता है, मैं भी रियल इस्टेट में काम करता हूँ, तो वहाँ एक डीलिंग हमारी चलती रहती है आपस में। तो उसने सीधी डायरेक्ट ये धमकी दी है कि तुम हमारे घर पे मैं हूँ, तो तुम्हारे घर के बाहर मैंने लगा रखे हैं, तुम जैसे आओगे वैसे मैं तुम्हें निपटा दूँगा। दूसरी बात, मैं बदन सिंह बद्दो से मेरा नाम पूछ लो, विक्की त्यागी के पास मैं हूँ मौजूदा, आप किसी से मेरा नाम पूछ सकते हैं। काम करता है रियल इस्टेट, कहाँ पर करते हैं? दुबई। धमकी कहाँ दी आपको? दुबई के नंबर पे धमकी आई, लेकिन उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, सारे मैंने लड़के लगा रखे, जैसे तुम आओगे तुम्हें उठा लिया जाएगा। घर कहाँ है आपका? भगत सिंह मार्केट। अधिकारी से मिले? अधिकारी ने क्या कहा? कप्तान साहब से मिले। क्या कहा अधिकारी? कप्तान साहब से मिले, उन्होंने पूरा इंक्वायरी करी और उस पर जाँच भी बैठाई। आश्वासन मिला? आश्वासन, कार्यवाही चल रही है, उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री इसरार सैफी ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? हाजी इसरार सैफी, मैं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी में था, अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। ये मेरा भतीजा है, ये दुबई में रियल इस्टेट का काम करता है। एक इनके पास ऑडियो आई कि तुम मेरठ पहुँचो, मेरठ पहुँचने में तुम ऑटो वाले रिक्शे में जाओगे या घर के बाहर जाओगे या गाड़ी में जाओगे या बस स्टैंड पर जाओगे, तुम्हें वहीं मैं तुम्हारा और मंत्री हाजी इसरार सैफी का फौरन ही काम तमाम कर दूंगा। किसने कहा है? कौन ये कोई, उसका नाम है संदीप करके है, और उसने कहा कि बदर सिंह बद्दो और विक्की त्यागी इन सब को उसने हवाले दिया। ऑडियो है उसकी, वो ऑडियो मैंने कप्तान साहब को भी दिखा दी है। कोई डिमांड कर रहा है आपको? बस डिमांड क्या, उसका यह है कि मेरा भतीजा वहाँ जो रियल इस्टेट काम करता है दुबई के अंदर, उसके अंदर ये इंटरफेयर ना करे, वहाँ पे काम ना करे, इस वजह से उसने यहाँ पर आके ये धमकी दी है। और बाकायदा ऑडियो में उसने नाम लिया है
नाम लेकर धमकी दी है कि बद्दो और विक्की त्यागी। कौन है बदन सिंह बद्दो, क्या करता है? भाई बदन सिंह बद्दो को आप जानते, दुनिया जानती है, वो यहाँ के क्रिमिनल है, हिस्ट्री सीटर है, और जिस विक्की का नाम लिया है पता लगा है कि उसका पहले एनकाउंटर हो चुका है 2015 में। बहरहाल उसने ये कहा कि मैं विक्की घर पे हूँ, चार तुम्हें दो चार दिन के अंदर अंदर तुम्हारा काम तमाम करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अच्छा, इसकी शिकायत आपने अधिकारी को की? मैंने अधिकारी को की है। मैंने इसकी शिकायत सीधे जाकर कप्तान साहब को, एसएसपी साहब को बताया, उन्होंने थाने में अपने एसओ को बताया और उसमें जांच चल रही है, देखिए क्या होता है। पहले किसी से नहीं कोई विवाद, किसी से आज तक नहीं हुआ, ना मैंने किसी से विवाद किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।